गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि केस में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में राहुल गांधी के बयान दर्ज हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने जज से कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं, मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कभी भी किसी गलत भाषा का प्रयोग करके मानहानि नहीं की है, ये पूरा मुकदमा राजनीति से प्रेरित है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आरोप लगाया गया है। वहीं राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जज के सामने राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया है। माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपीएमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने अभियुक्त नहीं था, माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा कि परिवाद में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं, ये निराधार हैं, इन राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवाद दायर किया गया है। मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवाद दायर किया गया है। जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया है कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा किस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024 नियत है। 12 अगस्त 2024 को अभियोगी जो है यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडे ने बताया कि अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील अपने सबूत और गवाहों को पेश करेंगे। राहुल गांधी इस सुनवाई में मौजूद नहीं होंगे। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और ये कहा कि हमको पॉलिटिकल वजह से फंसाया जा रहा है और हमारी इमेज खराब करने के लिए, और उनसे द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जो भी क्वेश्चन किया गया उसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया और पत्रावली 12-8 को एविडेंस में लगी है, हमारी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। जज साहब ने उनसे क्वेरी किया, उन्होंने बताया कि हमको पॉलिटिकल कारणों से फंसाया गया है, हमारी इमेज खराब करने की वजह से, छत धूमिल करने के कारण, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। पांडे जी, बयान को लेकर क्या कुछ स्पेसिफिक बोला जिस तरह से आपकी तरफ से कहा गया कुछ और हियरिंग? हमारी इस पे हमारी तरफ से जो है ऑनरेबल कोर्ट ने क्वेरी किया कि आपको एविडेंस देना है, हमने कहा हमको एविडेंस देना है, तो एविडेंस में 12-8 तारीख नियत किया गया है। अब आगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स? 12-8 को हमारी तरफ से गवाही पेश होगी, गवाही देंगे। अब आपको इस मामले का पूरा बैकग्राउंड बता देते हैं। मानहानि का ये मामला साल 2018 का है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। 8 मई 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले में इसका उल्लेख किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है, जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। राहुल गांधी के इस बयान पर 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया। लंबे समय तक पेशी में ना पहुंचने पर विशेष जज ने 16 दिसंबर 2023 को राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में रोककर सुल्तानपुर पहुंचे और उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। तब कोर्ट ने उन्हें 25,000 के 2 बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। इसके बाद अगली पेशी में राहुल गांधी के बयान दर्ज होने थे, लेकिन राहुल गांधी कई पेशियों में कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। ऐसे में 2 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें 26 जुलाई को अंतिम मौका देते हुए पेश होने का आदेश दिया। पेश ना होने पर कोर्ट ने कार्यवाही की भी बात की थी, जिसके बाद राहुल गांधी शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। हालांकि अगली सुनवाई में राहुल गांधी को पेश नहीं होना है। वकील आपस में साक्ष्य के आधार पर बहस करेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।